हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फिलहाल आज रात के 12:30 बज रहे हैं और 12:30 बजे हम पता नहीं क्या कर रहे होंगे ये सोच रहे हो आप। सो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि हमारा ड्यू टू सम रीज़न हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिस वजह से आजकल हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। सो मैं और मेरा फ्रेंड कुणाल, जो कि हम मेरे घर पर बैठे हुए हैं यहाँ काम कर रहे हैं फिलहाल, और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। सो फिलहाल अगर अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ पड़ा है और भूख भी काफ़ी लग रही है, सो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या बनाया जाए। कुछ है भी नहीं उतना खास, सो मैं सोच रहा हूँ कि एग फ्राइड राइस बनाते हैं, खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है। बस बनाने में बन जाए अच्छा तो खाने में अच्छा होगा ही। सो उसी की तैयारी करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एग फ्राइड राइस बनाता हूँ, फिर टेस्ट करके बताएंगे कि अच्छा बना कि नहीं। सो बस लगे रहो, वीडियो देखते रहो और आपको दिखाता हूँ क्या। ऑलराइट गाइस, सो हम प्याज लहसुन और अदरक ले आए हैं, अब इसको बस काटते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे बनाने का अच्छा कि अच्छा बन जाए। सो आपको दिखाते हैं, पहले सब्जी काटना। और नारुतो चल रहा है साइड में, नारुतो के मैं 550 एपिसोड दे चुका हूँ। ये जो एपिसोड है वो 553वां एपिसोड है। अब अभी भी फिलहाल अभी भी रहते हैं 170 एपिसोड अभी भी ख़त्म करने हैं यार। सो अगर मेरा पेपर नहीं होता ना क्या ना, वो अब तक मैं ख़त्म कर चुका होता, बट ये एग्ज़ाम के चक्कर में ना ढंग से देख पा रहा हूँ ना पढ़ पा रहा हूँ। बट 11 को पेपर ख़त्म हुआ ना, 15 तारीख तक मैं पूरा नारुतो ख़त्म कर दूंगा, ये तो पक्का है। तो हमने प्याज व्याज वगैरह काट दिया है अच्छे से और अब हम किचन में जा रहे हैं। और टाइम मैं अगर बताऊँ तो अभी 1 बज गए हैं पूरे, सो काफ़ी लेट हो गए हैं। तो अब बस किचन में चलते हैं और किचन में चल के इसको बनाते हैं। सो गाइस, बस अब किचन की ओर निकलते हैं और जैसे कि मैं दिखाऊँ, फिर रात के 1:30 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है गली में और हम इतनी रात को खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा शोर नहीं करेंगे क्योंकि सब सो रहे हैं, आराम से बनाइए। मैंने कढ़ाई रख दी है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम रिफाइंड ऑन इट। सो रिफाइंड गर्म हो गए, बस प्याज डाले जा रहे हैं। तो यार हमने प्याज वगैरह सब डाल दिया है, बट अभी अदरक और लहसुन डालना बाकी है। इसको थोड़ा लाल होने देते हैं एंड देन फिर हम डालेंगे अदरक वगैरह। शो भी करते हैं, ये प्याज रेड हो चुके हैं और अब मैं इसमें एग डालने जा रहा हूँ। फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, बट चलो बनाते हैं। हमारे एग अभी हम बना रहे हैं, ये एग अगर थोड़े से वो हो जाएंगे, सूख जाएंगे, थोड़े टाइट हो जाएंगे, उसके बाद हम राइस डालेंगे।
जैसे कि मैं दिखा सकूँ क्लोजर है ना, ये एग अब थोड़े ना सख्त जैसे हो गए हैं, अब इनमें हम राइस डाल सकते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट राइस ऑन इट। ऑलराइट, सो हमने चावल को तोड़ दिया है अच्छे से, ये रात के चावल बचे थे जो हम अब रात को ही बना रहे हैं फ्राइड राइस करके। ऐसे ही होता है यार, जब देर रात अचानक से आप सबको भूख लग जाए, बट ये अच्छा है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। अब रात को मैं अपने पेरेंट्स को तो जगा नहीं सकता कि भाई जाके मेरे लिए खाना बना दो, वो तो बना देंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को रात को जगाऊँ 1 बजे और बोलूँ मुझे भूख लगी खाना बना दो। तो हमें खुद भी आना चाहिए बनाने, काम आता है काफ़ी जगह। तो हम इसको फिट्टी मारते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, इसको घुमाते हैं हम। मेरे पास सोया सॉस नहीं है और सिरका नहीं है, वरना ये बहुत अच्छा बनता, इसका कलर भी आना था, बट चलो यार जो कलर से क्या करना, हमें खान स्वाद आना चाहिए, कलर आए ना आए, है ना। ऑलराइट गाइस, अब बस ये ना ओवरऑल रेडी है, बस हमने इसे आधा एक मिनट घुमाते रहना है ताकि ये कहीं चिपके ना और गर्म भी हो जाए जल्दी से जल्दी। ऑलराइट गाइस, सो हमने बना दिया है और थाली में भी परोस दिया है, ये फ्राइड राइस उसके साथ नींबू का अचार, और ये हमारे गांव का गढ़वाल का फोन, जो कि फोन दालों को पीस के बनाया जाता है। अब जो गढ़वाली होंगे उन्होंने खाया होगा, बट अगर आपने नहीं खाया तो ये भी बहुत अच्छा होता है खाने में, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में इसकी रेसिपी वगैरह अगर आप देखना चाहते हो। अब चलते हैं अपने रूम में और बैठ के खा लेते हैं, फिर हमने बैक टू वर्क काम भी करना है अपना। ऑलराइट, अब बस बैठा हूँ, खा रहे हैं हम आराम से, और अब ये रश आर टू मूवी है जो जैकी चैन की, वो मैं देखने जा रहा हूँ। मैंने 1 और 3 देखी है बट मैंने 2 नहीं देखी, सो मैं सोच रहा हूँ चलो बैठ बैठ के थोड़ा खाना खाते समय मूवी देख ली जाए। एंड इट्स काफ़ी अच्छा बना है यार ये, सो जैसा मुझे लगा था वैसा ही बना है, मतलब ठीक ठाक है। अगर मेरे पास सोया सॉस और सिरका भी होता ये बहुत अच्छा बनने वाला था, बट चलो हमारे पास पूरे इन्ग्रीडियंट्स नहीं थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा बना है। कुणाल तुझे कैसे लगा, तुझे कैसा लगा कुणाल? बहुत ज़्यादा अच्छा, आई थिंक मिड नाइट का सबसे अच्छा बेस्ट मील है। अब भी बनाओ एक नौसा है। ऑलराइट, सो बस सब रश आर टू देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं अपनी मील को। बस इट्स ऑलमोस्ट फिनिश, ख़त्म हो गया एंड हम दोनों ने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ बस इसको रखने एंड ऑलराइट गाइस, सो फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं, 3 अगर मैं टाइम आपको दिखा पाऊँ, रात के 3:03 बज रहे हैं और ये कुणाल तो पहले ही सो गया है और मैं अभी अभी मतलब हमारा भी काम कुम ख़त्म हो गया, सो अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। और अभी तो मैं रश आवर मूवी देख रहा था, तो बस यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।